हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं, मैं दमबड़िया हूँ। तो मेरा नाम है सरिता चौधरी और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में और मेरा गांव का नाम है माठा। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 और हमारा नाश्ता पानी हो गया है। तो आज बनाया था हमने हलवा है प्रिंस, कैसा लगा आपको हलवा? गाइस आज तो गाइज आज हमने नाश्ते में बना रखा है प्रसाद, जिसको हम हमारे वहाँ बोलते हैं कणकू। और क्या बोलते हैं मम्मी इसको? कणकू के साथ साथ क्या बोलते हैं? पापा खा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता, तो यहाँ पे बना हुआ है। पापा जी कैसा बना हुआ है? बड़ा बना हुआ है, अच्छा हो रहा है, ठीक है ना? खाने के तो खाते हैं बल, लेकिन ये भी बनना चाहिए ना, अच्छा भी बनना चाहिए। तो पापा ने मेरी तारीफ करते हुए यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह मैंने ही बनाया है ये प्रसाद। और ये है थोड़ी सी सब्जी, सब्जी तो नहीं खाएंगे हम, प्रसाद ही खाएंगे आज नाश्ते में, क्योंकि खाया जाता है। तो हमारा नाश्ता पानी हो गया है, नाश्ता हो गया हमारा। तो अब चलते हैं हम थोड़ा खेत में आलू खोदने के लिए। और कल जा रहे हैं हम, बता दे कहाँ जा रहे हो? तो कल की वीडियो में देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं और प्रिंस दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं और भी जा रहे हैं, है ना प्रिंस? हैप्पी थोड़ी देर में, और क्योंकि हमने पहले लगा रखे हैं तो थोड़ा बहुत आलू ले जाएंगे। और मौसम देख सकते हैं बारिश वाला हो रखा है पूरा। सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी धूप लग रही थी, अब बादल लग रहे हैं चारों तरफ और बहुत ही अच्छा हो रखा है, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी तो खेत में थोड़ा सा खेत हरे भरे हो गए, मतलब फिर से जो सूख रखे थे खेत वो ठीक हो गए हैं। तो इसमें से अच्छे से हो जाएंगे जो नाज पानी नाज लगा रखा है, जो भी वो हो जाएगा दोस्तों। तेंगे 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 वाह, तेंगे 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 वाला। तो ये है बदमाश लड़का, जो कि बहुत बिगड़ा हुआ है, सबसे बिगड़ा हुआ है ये लड़का। और यहाँ पर मम्मी बाल बना रही है अपने, इधर देख दादी, बताओ कल हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ दोस्तों। नहीं कल ही ब्लॉग में पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना। नहीं बताएंगे, कल के ब्लॉग में चलेगा पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्रिंस पहले ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसा ऐसा बोलना, ऐसे 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 हाँ ऐसे और एक ऐसे। घर वाले में बात करो उसे, बोला ना बुआ कि मैंने 100 तेंदुए का एक मुख के मोड़ा दिया सभी को, ये बोल रही है सच्ची सच्ची। और तुझे क्या रहा रे, मार लूंगा तू, बहुत कुतुआ तू, बहुत कुतुआ तू, बहुत कुतुआ। गढ़वाली में बोलना उसको, समझा उसको। तुम कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, तुम घर ही चल ना, कोई बात नहीं, गाय माता है क्या होती है ना, गाय माता हो आप, गाय माता हो, गाय माता हो आप। क्यों क्या बेगी, क्या मांगा ना, ये था और तो हम पहुंच चुके हैं खेत में, और यहाँ पे थोड़ा आलू वगैरह खोदते हैं ले जाने के लिए। मम्मी, ओ मम्मी जी, क्या हो रहा है? क्यों होना, बस दिन कट होना है, बस आज दिन काटे, भोलो सब भोलो दिन काटे, भोलो भोलो। तो मौसम हो रखा है बारिश वाला, बारिश आने से क्या हुआ मम्मी, अच्छा लगा कि? अच्छा लगा, ठंडा हो रहा, मौसम सही हो रहा ना, मौसम सही हो रहा, और क्या हो रहा, खेत गर्मी नहीं हो रही और खेतों में अच्छे से नाज वगैरह हो जा रहा है। ओ नाज ब्याह ब्याह कम, ये मम्मी ना 24 घंटे में बेइज्जती करती रहती है, तना कर रही नहीं थे मुंगरी मम्मी का बहुत नदी थी का किले धने दिया हाथ फुट मैं धरे उसे ते नाते कंगाल में आटा गीला, मतलब इतना गर्मी पड़ रखी
तो कहाँ बारिश तो अभी कुछ भी नहीं आई है ना, वही तो कंगाल में आटे गिले नहीं, फिर भी गर्मी हो लग गई है, गर्मी पड़ रखी तो कुछ भी नहीं। आपने तो दो दो स्वेटर पहन रखी है, दो दो तो अरे वो तो शरीर में रहे, बुजुर्ग आदमी है। हाँ जिक्र से लग रहा मेरे को, गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, शरीर मेरा है। मैं आप क्या जानती मेरे शरीर के बारे में, तभी पहन रखा बोल है इस गर्मियों के टाइम पे। मम्मी तो घास काट भाई मेरे को तो, ठीक है मैं आलू खोदूंगी क्योंकि मेरे से नहीं काटा जाता घास, क्योंकि घास है ही नहीं है। सोदा तो नहीं थी, और लाल चीखे सो गुलाबी, वो गुलाबी अकेले लोगों ने भयंकर वाह भाई। ओह माय गॉड, छिमी लगी हुई है उस पे। अरे भगवान की कि आखिरकार बारिश आ ही रही है, क्योंकि बारिश नहीं आती तो गर्मी बहुत भयंकर हो रही थी, और गर्मी के साथ साथ यहाँ पे खेतों में कुछ नहीं हो रहा था, थोड़ा अनाज वगैरह सूख रहा था, तो चलो अच्छा हुआ कि बारिश आ गई है। तो इंद्रदेव को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बारिश कर दी है। तो अभी बज रही है 11 बजने वाली है, और मैं आ गई हूँ घास लेके, और मम्मी यहाँ खेत में लगी है गुड़ाई करने पे, और वहाँ पे कितना फिसलन थी, और चप्पल पहन के गई थी मैं, जूते नहीं पहने मैंने आज, वहाँ पे नीचे बहुत फिसलन थी, बड़ी मुश्किल से आई मैं। और यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं गुड़ाई, तो यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं गुड़ाई है। मम्मी कैसे हो रखा है? हाँ तो बारिश की वजह से अच्छा हो रखा है गुड़ाई करने के लिए ना मम्मी। ये छूटी हूँ कंठा हो, छूटी हूँ कंठा हो, ए कंठा हो, कख कख मरी रे राम, है रे कंठा हो, दादा को कोई डर नहीं यहाँ शेर का, अबे आंगना बच्चे, ए कंठा हो, कंठा हो, क्या था तेरे आज बर्तन काट के मुर्गा को खिला ले, वो कबूतर देखो वो कुछ हाँ हाँ चल। तो अभी बज रही है शाम की 5:30, और मैं आ रखी हूँ नीचे गौशाला में, तो गोबर डालने के लिए वहाँ पर रह रखा है आधा सारा गोबर, तो उसको डालते हैं अभी। और मम्मी भी आने वाली है अभी, ऊपर गौशाला में गाय को पानी वगैरह दे रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते इतना गोबर है, इसको फटाफट से डालते हैं। और धूप अभी बहुत ख़तरनाक वाली लगी हुई देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सुबह के टाइम पे इतनी ही गुड़ाई की थी इस खेत की, और इस खेत की तो मम्मी ने ही कर दी थी, और देख सकते हैं कि धूप ढल रही है, गांव के ऊपर जा रही धूप। यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।